मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अंडमान निकोबार के पास समुद्र के ऊपर बन रहा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिसकी वजह से तीन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र के पास न जाने की सलाह दी गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई इलाकों में तेज हवा चलने की आशंका जताई। उधर गायक लकी अली ने कर्नाटक के डीजीपी से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके कुछ लोगों पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया और ट्विटर पर पोस्ट लिखकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पोस्ट में उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिखे, जिनमें एक आईएएस अधिकारी का नाम भी शामिल है। लकी अली के मुताबिक उन्होंने इस मामले में स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस बीच अफगानिस्तान में एक बस में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हालांकि ये धमाका कैसे हुआ इस बात का पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक बस एक ऑयल कंपनी की थी, जिसमें कंपनी के ही कर्मचारी मौजूद थे। इधर बिहार के भागलपुर में 2 लोगों पर एक महिला की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने महिला पर कुल्हाड़ी से 16 बार वार की। घटना 4 दिन पहले की बताई गई, जिसके बाद उस इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या की खबर मिलने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। एक खेत से फोरेंसिक टीम को कुल्हाड़ी और दूसरा सामान मिला। आशंका जताई गई कि इसी कुल्हाड़ी से महिला की हत्या की गई। इसी जगह पर नीलम देवी की को घायल किया गया था कुल्हाड़ियों से वार करके। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले जब महिला घर से बाहर निकली, तब दोनों आरोपियों ने उसे घेर लिया और उस पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। आरोप है कि दोनों ने महिला पर कुल्हाड़ी से 16 बार वार किए और इस हमले में उसके हाथ, पैर और कान कटकर शरीर से अलग हो गए। पुलिस के मुताबिक महिला और आरोपी पड़ोसी थे और उनके बीच पैसों के लेन देन पर काफी समय से विवाद चल रहा था और इसी वजह से आरोपियों ने महिला की हत्या कर दी। मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी, इस कारण से दोनों के बीच में काफी विवाद होते रहता था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर खबर है कि अमेरिका के सबसे घातक माने जाने वाले F-35 लड़ाकू विमानों पर ऑस्ट्रेलिया में बवाल मच गया। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने रक्षा विशेषज्ञों की दलीलों का हवाला देते हुए इन्हें खरीदने को ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी गलती करार दिया और आशंका जताई कि इनकी मदद से ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना दक्षिण चीन सागर में चीन की चुनौती से नहीं निपट पाएगी, जबकि अमेरिका अपने इन फाइटर जेट को दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक बताता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी 2002 में अमेरिका से 72 F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए डील की थी, जिसके तहत उसे 54 लड़ाकू विमान मिल भी चुके हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनमें कुछ फाइटर जेट इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस भी नहीं किया जा सकता और इनकी रेंज भी करीब 1000 किलोमीटर है, मतलब हवा में दोबारा ईंधन भरे बिना दक्षिण चीन सागर में चीन के ठिकानों तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन माना जा रहा है कि जंग के हालात में इनमें हवा में ईंधन भरना ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के लिए आसान नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने इनकी खरीद को ऑस्ट्रेलिया सरकार की सबसे बड़ी गलती बता दिया।